डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे वीरों का, कुशोक बाकुला रिंपोची जैसे महान व्यक्तियों का, थुपस्तान छेवांग जैसे जिन्होंने लद्दाख को यह दिशा दिया कि हमें भारत के साथ रहना है, भारत के जयकार करना है, अपने देश के लिए मत मिटने के लिए तैयार रहना है। और आज तक बहुत सारे यहां पे हिस्ट्री का रेफरेंस दे रहा था, मैं याद दिलाना चाहूंगा, चाहे 1965 के वार हो, 1971 का हो या 1999 का हो या 1948 के कबेले हमला का हो, इतिहास चेक करके देखिए, लद्दाखी ने हमेशा बलिदान दिया, हमेशा देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहा। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, आज यहां पे मेरे साथी कश्मीर के ऑनरेबल मेंबर पूछ रहे थे धारा 370 हटने से क्या खोएंगे। मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, एक चीज जरूर खोएंगे वहां, दो परिवार का रोजी रोटी खोएंगे और कुछ नहीं। सिर्फ दो परिवार का रोजी रोटी खोएंगे और कश्मीर के भविष्य उज्जवल होने वाला है। सभापति महोदय, कारगिल के जिक्र कर रहा था यहां पे और सदन को मिसलीड करने की कोशिश कर रहा था। मैं कारगिल से चुन के आता हूं, मैं गर्व से कहता हूं कारगिल वालों ने यूटी के लिए वोट दिया है। मैं याद दिलाना चाहता हूं सदन को, 2014 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में यूटी हमारे लद्दाख के टॉप मैनिफेस्टो पे था और लद्दाख वालों ने, मेजोरिटी ने यूटी के लिए वोट दिया। 2019 के इलेक्शन में फिर हमने यूटी को इलेक्शन मैनिफेस्टो में लेके आया और हमने दोनों डिस्ट्रिक्ट में, चाहे बुद्धिस्ट का हो चाहे मुस्लिम का हो, दोनों डिस्ट्रिक्ट में, लेह का हो करगिल का हो, हर क्षेत्र में हर लोगों के दरवाजे पे जाके हमने लोगों को यूटी समझाया ये क्या है। और लोगों ने बड़ी बहुमत के साथ, आज तक लद्दाख में जितना भी पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुआ है रिकॉर्ड मार्जिन के साथ ये सदन में मुझे आने का लोगों ने अवसर दिया। लोगों ने नरेंद्र मोदी जी के सरकार पे विश्वास किया, लोगों ने इस यूटी को स्वागत किया। आज करगिल की बात कर रहे हैं, क्या वो जानते हैं ये करगिल? मुझे इस सदन में कहने के कोई संकोच नहीं है। तब के गृह मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी अब ले पधारे थे, ऑल पार्टी पार्लियामेंट्री डेलीगेशन जम्मू गए थे, कश्मीर गए थे और आप ले आए थे तब के होम सेक्रेटरी के साथ। पूरे लद्दाख के हर पॉलिटिकल पार्टी से, बीजेपी कांग्रेस पीडीपी एनसी लेके, मैं कश्मीर की बात नहीं कर रहा हूं, वहां अलग वातावरण है, मैं लेके बात कर रहा हूं, और साथ ही साथ हर रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के, चाहे लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन हो, अंजुमन इमामिया एसोसिएशन हो या मौनुल इस्लाम हो, क्रिश्चियन एसोसिएशन हो, हिंदू महासभा हो, सबने एक ही आवाज में कहा कि हमें यूटी चाहिए। राजनाथ सिंह जी पूछ रहे थे और क्या चाहिए बोलो, और हमने कहा और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ यूटी चाहिए, हमने ये कहा था। आज अध्यक्ष जी सुनने की क्षमता रखिए, सुनने की क्षमता रखिए, अभी तो टीलर है तो सुनने की क्षमता रखिए। अध्यक्ष जी, लेकिन उस वक्त एक दुर्घटना हमारे साथ घटी, आज मैं इस सदन को अवगत करना चाहूंगा। तब के ले में आपके एनसी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, पीडीपी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, जिन्होंने यूटी के मेमोरेंडम को साइन किया, उन लोगों को आपके कश्मीर के एनसी और पीडीपी ने वहां से प्रेस रिलीज जारी करके अपने पार्टी से बाहर निकाल दिया। आज डेमोक्रेसी की बात कर रही है, लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, क्या वो थे आपका लोकतंत्र?
लोगों का आवास बंद करना, दबे कुचाले रखना, ये आपका लोकतंत्र था क्या? अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, मैं कल 11 बजे राज्यसभा के चर्चा शुरू होने से अभी तक मैं सुन रहा था, बहुत लोगों ने इक्वलिटी की बात किया, धारा 370 जाएगा तो जम्मू कश्मीर में इक्वलिटी नहीं रहेगा, ये होगा वो होगा। मैं सदन से पूछना चाहता हूं, आपके माध्यम से इस सदन में मैं उनको पूछना चाहता हूं जो ऐसा वक्तव्य देते हैं। आपने जब भारत सरकार से फंड लेते समय जम्मू कश्मीर लद्दाख तीनों क्षेत्र आप फंड लेके जाते हो, जब लद्दाख में विकास करने के लिए आते हो तो पूरे लद्दाख के फंड आप कश्मीर में खा जाते हो, क्या ये आपका इक्वालिटी है? क्या ये है आपका इक्वालिटी? जम्मू कश्मीर में दो कैपिटल है, एक समर कैपिटल और एक विंटर कैपिटल। मैं पर्टिकुलरली मेंशन करके मैं आपको कह रहा हूं, दोनों वहां पे सिविल सेक्रेटरीट है। आप डेटा खोल के देखिए, उस सिविल सेक्रेटरीट में लद्दाख के कितना मुलाजिम है, क्या यह है आपका इक्वालिटी? अगर आप 1000 इंप्लॉयज क्रिएट करते हो, जॉब क्रिएट करते हो, जम्मू वाले तो खैर लाख झगड़ के कुछ ले लेते हैं, लेकिन लद्दाख वालों को 10 नौकरियां भी आप नहीं देते, क्या यह है आपका इक्वालिटी? हसनैन मसूदी जी यूनिवर्सिटीज के बात कर रहे थे, मैं उनके साथ कांग्रेस वालों को याद दिलाना चाहता हूं, मैं कांग्रेस वालों को याद दिलाना चाहता हूं, आपने 2011 में कश्मीर में आपने एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी दिया, जम्मू में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी दिया, जम्मू वालों ने लाठ जगड़ के दिया, लाया दिया नहीं, लाठ जगड़ के लिया। लेकिन उस वक्त मैं स्टूडेंट यूनियन का लीडर था, हमने जम्मू में जितने पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट को रोड पे लाके इनके खिलाफ काले पट्टी बांध के हमने सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मांग किया। लद्दाख में एक भी हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन इन्होंने नहीं दिया, क्या यह है आपका इक्वालिटी? यह है आपका इक्वालिटी? हाल ही में यूनिवर्सिटी दिया तो नरेंद्र मोदी जी ने दिया। मोदी है तो मुमकिन है, सही में। कल राज्यसभा में कांग्रेस के नेता गला फट फट के कह रहे थे कि भाई लद्दाख के साथ क्या होगा, लद्दाख के साथ क्या होगा। मैं जानना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से, मैं जानना चाहता हूं, जब आप 2008 में जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर थे, आपने वहां पे 8 नया डिस्ट्रिक्ट बनाया, जिला 4 आपने कश्मीर को दिया, तो जम्मू वालों ने लड़ाई किया तो 4 देना पड़ा, लद्दाख को आपने एक डिस्ट्रिक्ट भी नहीं दिया, क्या यह है आपका इक्वालिटी? यह आपका इक्वालिटी है? आज आप कहते हैं इक्वालिटी, हमारे भाषा लद्दाखी बोटी भाषा कहते हैं, कश्मीरी आपने लिपि ना होने से भी आपने रिकॉग्नाइज किया, 8 शेड्यूल में डाल दिया, जम्मू के डोगरी उन्होंने आंदोलन किया तो उनको भी दे दिया, लद्दाख के भाषा को आज तक आपने रिकॉग्नाइज किया, क्या यह है आपका इक्वालिटी? अध्यक्ष जी, सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेसी की बात किया जा रहा है यहां पे, मैं जानना चाहता हूं जिस कश्मीरी पंडितों को आपने इस धारा 370 के मिस यूज करते हुए लात मार के रातों रात निकाल दिया, क्या यह है आपका सेक्युलरिज्म? यह है आपका सेक्युलरिज्म? इसी धारा 370 को आपने मिस यूज करते हुए काल वक्तव्य दे रहे गर्व से, लद्दाख में पहले बौद्ध संख्या ज्यादा था, आज मुस्लिम संख्या ज्यादा है। मैं अफसोस के साथ कहना चाहता हूं, ये आपने धारा 370 को मिस यूज करके जम्मू कश्मीर में आपने बुद्धिस्ट को खत्म करने की कोशिश किया, ये है आपका डेमोग्राफिक मेंटेन, ये है आपके सेक्युलरिज्म? अध्यक्ष महोदय, यही जिन परिवारों ने, मैं नहीं कहता हूं कि वहां पे शासन किया, मैं कहता हूं राज किया, यही परिवारों ने 1979 में लद्दाख को बंटवारा किया, बुद्धिस्ट मेजोरिटी के साथ लेह डिस्ट्रिक्ट, मुस्लिम मेजोरिटी के साथ करगिल डिस्ट्रिक्ट, और हम दोनों भाइयों को लड़वाया आज तक, यह है आपका सेक्युलरिज्म? फूट डालो राज करो, क्या यह है आपका सेक्युलरिज्म?
आज करगिल की जिक्र कर रहे थे, कह रहे थे कि करगिल बंद है। किसने कहा आपको करगिल बंद है? जानने की कोशिश कीजिए, मैं हूँ लद्दाख से, मैं चुन के आ रहा हूँ, आप नहीं आ रहे लद्दाख से। आप बैठिए, आप आराम से बैठिए, आप बैठिए भाई साहब। आज तक आप लोगों ने बोला, आज हमारा बोलने का मौका है। बैठिए बैठिए, आप मोदी चाचा ने बैठिए। ये सिर्फ एक रोड और छोटा सा मार्केट को करगिल समझ बैठे भाई साहब। अगर आपको कारगिल देखना है तो जांस्कार जाइए, वाखा मूलबेग शारगोल जाइए, आर्यन बेली जाइए, दर्शिक गरखोन देखिए। 70% कारगिल के एरियाज जो है, वहां के लोग जो है, आज इस डिसीजन को वेलकम करते हैं, इस बिल के समर्थन करते हैं। अध्यक्ष जी, आज ये वही वक्तव्य दे रहा है। अध्यक्ष जी सुनिए सुनिए, मौका दीजिए, बोलने की क्षमता रखिए। मैं आपकी तरह किताबें पढ़ के नहीं आता हूं, लेकिन ग्राउंड की रियलिटी महसूस करके। अध्यक्ष जी, करगिल में जो अभी कह रहा है, ये इन्होंने फोन करके करवा रहा है। उनको भी नहीं पता है वो लोग क्या कर रहे हैं। उनको अपने भविष्य के लिए सोचना चाहिए, इनके जबान पे नहीं जाना चाहिए। ये अपने मुफ्त के लिए, अपने हित के लिए किसी को भी न चाहेंगे। अध्यक्ष जी, अध्यक्ष महोदय बैठिए बैठिए, सुनने की क्षमता रखिए। अध्यक्ष जी, आज से 66 वर्ष पहले जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1953 में जो उन्होंने संघर्ष लिया, एक देश में दो विधान, दो निशान और दो प्रधान, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और इसी के संकल्प में मैं गर्व के साथ कहता हूं, इनको नहीं पता लद्दाख वालों ने अभी क्या किया आज तक। 2011 में आज ये कह रहे कि हमारा झंडा जा रहा है, झंडा जा रहा है। भाई साहब, आपका झंडा तो लद्दाख वालों ने 2011 में नकारा है। लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल ले ने रेजोल्यूशन पास किया 2011 में। जम्मू कश्मीर के जो झंडा लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल की चेयरमैन, एग्जीक्यूटिव काउंसलर, जो कैबिनेट और डिप्टी मिनिस्टर के रैंक के होते, उनको उनकी गाड़ी को लगता था। हमने उस झंडा को नकारा, हमने नेशनल एम्ब्लेम वाला वहां पे लगाया, क्योंकि हम भारत देश का अटूट अंग बनना चाहते। ये है लद्दाख, क्योंकि हम मानते हैं आन देश की, शान देश की है हम संतान है। तीन रंगों से रंग तिरंगा अपनी ये पहचान। अध्यक्ष जी, बड़े आयरोनिकल बात है, पंचायत इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे और जब अपने कुर्सी के बारे आएंगे तो पार्टिसिपेट करेंगे। ग्रासरूट डेमोक्रेसी नहीं आने देंगे, लेकिन अपने घर का रोटी चलना चाहिए। ऐसा विचारधारा हम एक्सेप्ट स्वीकार नहीं करेंगे। अध्यक्ष जी, जो कुछ लोग, जो मैं बार बार दो परिवार की जिक्र कर रहा हूं, ये परिवारें जो है कश्मीर के मुद्दा जो ढिंडोरा पीट रहा है, वो समाधान चाहने वालों में से नहीं है। दे आर द पार्ट्स ऑफ प्रॉब्लम, वो इस प्रॉब्लम का, इस समस्या का पार्ट बन चुके हैं, अंग बन चुके हैं। नशे में है वो, वो आज भी समझ रहे कि कश्मीर तो मेरा बाप का जागीर है। नहीं रहा, नहीं रहा, नहीं है।
अध्यक्ष जी, मैं अंत में इसको कंक्लूड करने से पहले मैं भारत सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ। श्री नरेंद्र मोदी जी को, गृह मंत्री जी माननीय अमित शाह जी को और पूरे सहयोगी दल को, और जिनका दल नहीं है लेकिन इस बिल के फेवर में आने वाले हैं, उन लोगों को भी मैं लद्दाख, पूरे लद्दाख के निवासियों की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि आज पहली बार इस भारत के इतिहास में लद्दाखियों के सेंटिमेंट को, एस्पिरेशन को सुना जा रहा है। उस लद्दाख के जो चीन के साथ, पाकिस्तान के साथ सीमाएं लगते हैं, उस लद्दाख के महत्वपूर्ण को समझ रहे हैं। इस सरकार में इस बिल को हम वेलकम करते हैं और हम एक अंत में जो लोग अभी तक कंफ्यूज में, उनको एक रिक्वेस्ट छोटा सा करना है। देश के लिए प्यार है तो जताया करो, देश के लिए प्यार है तो जताया करो, किसी का इंतजार मत करो, गर्व से बोलो जय हिंद, अभिमान से कहो भारतीय है हम, स्वाभिमान से कहो भारत माता की जय, और वर्तमान में करो इस बिल का समर्थन। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। माननीय सदस्य बहुत लंबी लोकसभा क्षेत्र से आते हैं और मैं देखता हूं सदन में हमेशा सार्वगर्भित बात कहते हैं माननीय सदस्य, मैं जानता हूं माननीय सदस्य बहुत लंबी लोकसभा क्षेत्र है और नौजवान होकर जब भी सदन में बोलते हैं, मैंने जब भी देखा अच्छा बोलते हैं, ऐसे माननीय सदस्यों को सबको अप्रिशिएट करना चाहिए। श्री ऑनरेबल स्पीकर सर, जिस हसन मसूद जी ने जो इधर रखा है आर्ग्यूमेंट, वो पूरे इतिहास के खिलाफ है और सत्य के बहुत दूर है, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ तुरंत आप वो जो कुछ भी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में कहा है वो तो बिल्कुल सत्य के खिलाफ है, एक्सपेंड किया, इसको तुरंत एक्सपेंड किया जाए, ये तो हमारा निवेदन है, एक्सपेंड कर दिया जाए। माननीय चिराग पासवान जी। थैंक यू सो मच स्पीकर सर। You are listening to Ladakh's Member of Parliament, Mr. Namgyal, speak on the historic decision of the Government of India to convert Ladakh into a Union Territory without legislature. He welcomed this decision of the Union of India and said that from the very beginning, that is from 1948 itself, Ladakh people have laid down their lives in all the wars from 1948 to 1965 to 1971 to even the 1999 Kargil confrontation. He also said that only two political dynasties stand to lose as a result of this decision of the Government of India. That is Ladakh becoming a union territory going forward. He said that when the National Conference and PDP district presidents demanded UT status for Ladakh, then they were removed from their parties. He asked if this is democracy. He also said that Ladakh never got any higher education institution. It was only when Narendra Modi came to power and became the Prime Minister that Ladakh got a university. He asked if this is equality, that Ladakh did not even have a higher education institution earlier. He said that Ladakh was not even given a district earlier. Is this equality? He said that Ladakh's language was not recognized. He said if this is equality, if this fits in the definition of equality of the opposition parties. He also talked about the ethnic cleansing of Kashmiri Pandits and the removal of Buddhists from Jammu and Kashmir, asking if this is the definition of secularism that the opposition has. He also said that the dynasties talking about the resolution of Kashmir issue are actually part of the problem. So those were some of the highlights of what the Ladakh Member of Parliament, who is from the BJP, said in Lok Sabha during the discussion on Ladakh becoming a union territory going forward without a legislature. The Ladakh MP welcomed it. Well, let's move on now.